इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो गॉन्कर बुक है 8085 की, उसमें एक ये प्रोग्राम है BCD टू 7 सेगमेंट कोड कन्वर्जन वाला, तो उस प्रोग्राम को मैं समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, और ये सब गॉन्कर का ही है एग्जैक्टली। द सेट ऑफ थ्री पैक्ड BCD नंबर रिप्रेजेंटिंग टाइम एंड टेम्परेचर आर स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन स्टार्टिंग एट XX50। अब XX कुछ भी नंबर हो सकता है, 20, 30, 50, सही है। तो आप अगर यहाँ पर कोई चूज़ करते हो 20 या XX रहने देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20 लेकर चल रहे हो तो 20H हो गया स्टार्टिंग लोकेशन, जहाँ पर ये BCD नंबर, तीन BCD पैक्ड BCD नंबर स्टोर्ड हैं। तो स्टार्टिंग लोकेशन है 50, तो 51 और 52 तो तीन पे हैं, ठीक है। ऐसे 7 सेगमेंट कोड जो हैं 0 से 9 तक के, वो कॉमन कैथोड LED कोड हैं, वो सब स्टोर्ड हैं XX70H से जो लोकेशन है। तो XX हमने अगर 20 लिया तो ये हो गया 2070H, एंड द आउटपुट बफर मेमोरी इज रिजर्व एट 2090। अगर XX की वैल्यू मैंने 20 लेता हूँ तो ये बन गया 2090H, ठीक। तो अब यहाँ पर जो नंबर है, जो पैक्ड BCD नंबर है, तो इसको मैं ज़रा सा एक ड्रॉ कर देता हूँ, वो आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर है हमारा X50H लोकेशन है, और यहाँ पर स्टोर है कोई नंबर, पहला पैक्ड BCD नंबर। अब वो टाइम भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें उसमें नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है कि वो टाइम है या टेम्परेचर है किस फॉर्मेट में, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। तो पहले हो सकता है पहली जो बाइट है वो टेम्परेचर की हो, दूसरी बाइट आवर की हो, तीसरी बाइट हमारी मिनट की हो, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल ये है कि थ्री पैक्ड BCD नंबर है। तो यहाँ पर पैक्ड BCD नंबर में कुछ भी ले सकते हैं, इधर मैं सपोज करूँ यहाँ पर 39 ये ले लिया एक नंबर, ऐसे ही XX फिर 51 पे एक नंबर और आ जाएगा, तो यहाँ पर सपोज करो 12 है, और XX 51 पे 52 पे ये कोई तीसरा नंबर है, तो सपोज करो यहाँ पर 30, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन हमारे पैक्ड BCD नंबर हैं, ये एज्यूम किया है, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकते हैं, प्रोग्राम जो लिखेंगे वो यूनिवर्सली नंबर्स के लिए होगा, कोई भी नंबर आए इनमें, इन तीन लोकेशन में, उसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट कराना है 7 सेगमेंट कोड में, और उसके बाद उसको स्टोर भी कराना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट है इसी में मेमोरी में, ये सब रीड राइट मेमोरी है, और यहाँ से फिर नेक्स्ट लोकेशन स्टार्ट होती है, ये डैश 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 डैश, और नेक्स्ट लोकेशन स्टार्ट होती है XX70H, ठीक है। और 70H पे सबसे पहले जो है ये हमारा है जो मेमोरी स्टार्टिंग XX0 में, ये इसके कोड पड़े हुए 7 सेगमेंट कोड 0 से 9 तक के, ठीक है। तो इसको अगर प्रीवियस आपने लेक्चर देखा है तो इसको बोल सकते हो लुकअप टेबल, ठीक है। तो ये लुकअप टेबल हो गई, तो X जिसकी स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो है XX70H। तो XX को आप एज्यूम कर सकते हो कि XX इक्वल्स टू हमने ले लिया 20 मान लो, ठीक है। तो XX50 हो गया 2050H, ठीक है। तो कन्फ्यूजिंग नहीं है, सिंपल है, ठीक। उसके बाद 70 पे यहाँ पर है 0 का 7 सेगमेंट कोड, जो डिजिट 0 है उसका 7 सेगमेंट कोड है कॉमन कैथोड के लिए। तो कोई भी है यहाँ पर, मैं पीछे उसमें एक जो ट्रुथ टेबल है इसकी, सॉरी जो इसकी कॉमन कैथोड कोड की जो एक टेबल है वो है यहाँ पर प्रोग्राम में, ठीक है। तो 0 वाला जो है ये, तो जो कोड का जो है ये, कोड का मतलब है यहाँ पर जो हमारी है XX70H जहाँ पर वो स्टोर है, तो यहाँ पर कोड से मतलब है XX70H, ठीक है। तो वहाँ पर 0 का 70 वाली एच लोकेशन में है, उसके बाद 71 2071 या XX71 XX72 XX73 XX74 XX75 इस तरह ये कोड सब जो इनके हैं डिजिट के डिजिट वाइड ये सब सेम है। तो ये सेम है, ये सब इंडिकेशन के लिए है, ठीक है। ये डिजिट 0 का कोड है, डिजिट 1 का कोड है, डिजिट 2 का कोड है, ये 3 का कोड है, ये 4 का कोड है, ये 5 का कोड है, इस तरह। और कोड जो है वो इस जो लुकअप टेबल है या एक तरह से रिजर्व मेमोरी है जो जिसमें 7 सेगमेंट कोड हमारे स्टोर्ड हैं उसका स्टार्टिंग एड्रेस है, ठीक है। तो कोड का मतलब यहाँ पर है एड्रेस, ठीक है। तो ये लेबल है, एड्रेस लेबल, ठीक है। तो यहाँ पर XX70 और इसको हमने लेबलिंग की है इसकी, तो लेबलिंग की है इसकी हमने कोड से, तो इसको हमने लिखा है यहाँ पर कोड जो हमारा सब रूटीन है।
वहाँ पर कोई 70 से लेके और फिर हमारा 79 तक ये स्पेस रिजर्व है किसके लिए, जो 7 सेगमेंट के कोड हैं उसके लिए। तो यहाँ पर जो भी उसका कोड है कॉमन कैथोड वो सब प्रोग्राम में है नीचे, ठीक है, वो आपको बनाना है बना सकते हैं आप, और यहाँ पर ये सब कोड है, ठीक है। उसके बाद एक इसमें और एक चीज़ है, फिर जो मेमोरी स्टार्टिंग एट XX70 ये तो हो गया इसका काम, उसके बाद आउटपुट बफर मेमोरी रिजर्व एट XX90, तो इससे आगे भी और एक मेमोरी है, ठीक है, कुछ मेमोरी लोकेशंस हैं तो उसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर आगे आएंगे, ठीक, तो यहाँ पर डैश 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 और यहाँ से फिर आगे स्टार्ट होता है हमारा XX90H, ठीक है, इस मेमोरी में। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, तो XX90H इस लोकेशन पे हमें स्टोर कराना है जो यहाँ से जो डिजिट है ऊपर वाली, जैसे 39 है ना, हाँ, तो जो हमारी ये 39 है, तो जब इसको हम अनपैक करेंगे तो 9 और 3 बनेगा, तो 39 को जब हम अनपैक करेंगे तो सपोज करो यहाँ पर 39 पहला नंबर लिया, तो 39 को जब अनपैक करेंगे तो ये बनेगा 03 और ये बनेगा 09, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना है, यहाँ पर पहले 3 का कोड आ जाएगा या पहले 9 का कोड आ जाएगा, वो आपकी चॉइस है, आप किस ऑर्डर में करना चाहते हो इसको सेव। तो 03 का जो भी यहाँ पर 7 सेगमेंट कोड आएगा वो लुकअप टेबल से उठा के लाएंगे, ठीक है, जो स्टार्टिंग है XX70 से, ठीक है ना। तो इसका 7 सेगमेंट कोड 03 का, ऐसे ही 7 सेगमेंट कोड, ठीक है, 09 का, तो उनको कंजिक्यूटिव मेमोरी में स्टोर करते जाएंगे। तो यहाँ पर XX90, तो यहाँ पर आएगा 03 का, इस ऑर्डर में रख लें या जो प्रोग्राम लिखा है उसकी तरह, या सपोज करो यहाँ पर 09 ऑर्डर से शुरू हो रहा है, उसके बाद 03 आ रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर का, सही है, तो 01 आएगा, फिर उसके बाद 02 आएगा, तो ऐसे ही कंजिक्यूटिव मेमोरी में वो स्टोर करते जाना है। तो 90 91 में सेकेंड डिजिट, फिर 92 में ये जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड पैक BCD है, इसकी फर्स्ट डिजिट 1, फिर उसके बाद नेक्स्ट, ऐसे, ठीक है, तो इस तरह वो चलता जाएगा। तो अब प्रोग्राम को समझ लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे मेमोरी में स्टोर है। तो 2 में हमारा दिया हुआ है, या मतलब इसमें हमारा दिया हुआ है नंबर जो पैक्ड BCD हैं, 3 पैक्ड BCD हैं, तीनों को हमें करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है 7 सेगमेंट कोड में। उसके बाद जो कोड है वो पड़े हुए हैं इसमें, ठीक है, और हमें स्टोर कराने हैं उनके जो BCD 7 सेगमेंट कोड हम बनाएंगे वो स्टोर कराने XX90 से जो स्टार्ट है, सही है, मेमोरी लोकेशन। तो 90 91 92 93 94 95, तो इसमें ये हमारे पूरे के पूरे आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम को समझते हैं अब। तो सबसे पहले अब देखो, जब सब रूटीन बनाते हैं तो कॉल इंस्ट्रक्शन यूज़ होता है, कॉल का यूज़ होगा तो स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया, कोई भी आप यहाँ पर दे सकते हो, स्टैक लिखा है तो इसका मतलब है लेबल है उस एड्रेस का, तो आप इसको कुछ बाहर का दे दो, जैसे कि यहाँ पर हमारा अगर मैं एक्सेस को 20 मान रहा हूँ तो 2090 से लेके और ये 2095 तक आएगा, तो हम उसको और आगे बढ़ा देते हैं, हम इसको 3050H ले लेते हैं स्टैक को, आप यहाँ पर 3050H भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही फिर जो प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले पॉइंटर, तो पॉइंटर बनाना पड़ेगा, डेटा पॉइंटर, जहाँ से जो 39 को उठा के लाए। तो हमारे पास क्या है, देखो 3 पैक्ड BCD नंबर हैं, क्लियरली मेंशन है, तो उसको तो हम लूप का काउंटर बना देंगे, 3 बार लूप चलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग एड्रेस दिया हुआ है इसका भी और इसका भी, तो ये हमें स्टार्टिंग एड्रेस दोनों के चाहिए, जब हमें इसका यूज़ करेंगे तो इसके लिए डेटा पॉइंटर चाहिए, और एक डेटा पॉइंटर चाहिए इसके लिए, और एक डेटा पॉइंटर चाहिए इसको सेव कराने के लिए, तो 3 डेटा पॉइंटर चाहिए हमको, सही है, क्योंकि 3 सेगमेंट हैं इस मेमोरी के। तो पहला सेगमेंट है ये, जिसमें हमारा BCD पैक्ड BCD कोड पैक्ड BCD नंबर सेव है, यहाँ पर हमारे उनके 0 से 9 तक के जो हमारे 7 सेगमेंट कोड हैं वो स्टोर हैं, और इसमें जो हमें उसको उस पार्टिकुलर डिजिट के लिए, तो 9 का 7 सेगमेंट कोड यहाँ से उठाएंगे, इसमें सेव करा देंगे, तो यहाँ पर 9 का कोड आएगा, है ना, 9 नहीं आएगा जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, तो 9 का जो 7 सेगमेंट कोड है वो इसमें आके स्टोर होगा। तो हमें यहाँ पर स्टोर करना है, बाकी ये दो चीज़ दिए हुए हैं। तो पॉइंटर क्या करेगा, सबसे पहले हम अपना जो BCD नंबर है उसको लाएंगे और उसको अनपैक करेंगे, जैसे 39 को 0309 बनाएंगे, उसके बाद फिर हम दूसरा सब रूटीन यहाँ से जहाँ पर हमें उसको डिस्प्ले कराना है या उसको कोड में कन्वर्ट कराना है, तो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करा रहे, कोड में कन्वर्ट करा रहे हैं, सही है, और उसको सेव करके रख रहे हैं मेमोरी में, ठीक है। जो पिछली बार जो पिछला प्रोग्राम है उसमें मैंने उसको डिस्प्ले करा दिया था, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको सेव करा रहे हैं। तो जब सेव करा रहे हैं तो उसको नाम दे दिया है आउटपुट बफर मेमोरी,
ठीक है। तो आउटपुट बफर मेमोरी, उसमें उसको जो हम कोड जो कन्वर्ट होकर आएंगे उनको सबको आउटपुट बफर मेमोरी इसका नाम दिया है, तो इसका नाम है आउटपुट बफर मेमोरी, आउटपुट बफर मेमोरी। तो ये यहाँ पर 6 बाइट जो हैं स्टोर हैं 90 से लेके 95 तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्रोग्राम पे। तो सबसे पहले स्टैक पॉइंटर, इसको उठा के इधर रख देते हैं। तो ये मेन प्रोग्राम है, ठीक है। फिर इसके सब रूटीन पे जाएंगे, अनपैक पे, फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो एलेक्साई स्टैक पॉइंटर, यहाँ पर स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया। तो कोई आप इससे बाहर की जो यहाँ पर अगर सपोज करो 2050 है, तो यहाँ पर कुछ आपको 3050 मतलब इतना एक स्पेस देके 3050H लिख दो, वो स्टैक से यहाँ पर यूज़ हो जाएगा स्टैक की तरह, क्योंकि कॉल इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर पॉइंटर, तो इसका पॉइंटर बनाएंगे डेटा पॉइंटर, HL को डेटा पॉइंटर बना दिया। तो यहाँ पर इसका एड्रेस जो है, ये वाला जो एड्रेस है, इसको हमने फीड करा दिया किस में, HL में। तो उसको बना दिया हमने डेटा पॉइंटर, जहाँ से वो पैक्ड BCD नंबर को उठा के लाएगा। 3 BCD नंबर है पैक्ड BCD नंबर, और उनको हमने स्टोर करा दिया D में, तो वो बन गया हमारा काउंटर, ठीक है। और अब पहला नंबर जब स्टोर करा दिया है, मतलब जो HL है जो पहले इसका है, सही है, इसकी लोकेशन हमने स्टोर करा दी HL में, पॉइंटर हमारा सेट है। उसके बाद हम सीधा जाएंगे अनपैक करने के लिए, ठीक है। जब कॉल अनपैक करेंगे तो हम कहाँ आएंगे, इस प्रोग्राम पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, Lec-38b बफर। अब इसका जो एड्रेस है ना, तो इस जो XX90 है, अब इसके लिए भी डेटा पॉइंटर बनाना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, 39 को पहले अनपैक करना है, अनपैक करने के बाद 309 को हमें 7 सेगमेंट कोड में कन्वर्ट करना है अलग अलग, और फिर उनको सेव करना है, ठीक है। तो जब सेव करना है तो इसके भी हमें क्या चाहिए, डेटा पॉइंटर चाहिए। तो हमने यहाँ पर BC रजिस्टर पेयर को इसका डेटा पॉइंटर बना दिया। तो बफर का मतलब यहाँ पर है XX90H, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव A, M, तो M के कंटेंट, यानी M है जो HL जो हमने यहाँ पर सेट किया था, तो HL जो है हमारा वो है XX50, तो XX50 पे जो कंटेंट है वो है 39, तो 39 हमारे कहाँ आएंगे, एक्यूमुलेटर में आ जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या करना है हमको, उसको 39 को अनपैक करना है। तो अनपैक वाला मैं प्रोग्राम करा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। हाँ, तो मैं इसको अनपैक करा चुका हूँ पहले प्रोग्राम में। तो सिंपल है, आपने यहाँ पर 39 लिया, F0 से कराया तो आपको मिला यहाँ पर 30 को हमने RRC कराया तो वो हमारा हो गया 03। जब 03 हो गया तो हमने कॉल किया LED कोड कन्वर्जन को लिए, सही। तो LED कोड कन्वर्जन वाला हमारा प्रोग्राम है इधर, ठीक है। तो अब हमारा ये आया, हमारा अब यहाँ पर हमारे पास है 03, अगर इसके अकॉर्डिंग चलें तो, सही है। तो 03 को हमने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कराना है। तो अब क्या किया, पुश H, तो इससे पहले का जो मैंने प्रोग्राम है, इससे जस्ट 38A, उसको एक प्लीज़ उसको एक बार समझ लें, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दूसरा वाला जो जो हमारा अब यहाँ पर जो डेटा पॉइंटर है, जो पहले ऊपर वाले के लिए था, इस वाले के लिए, अब उसी डेटा पॉइंटर को हमने इसका जो एड्रेस है उसको, तो XX50 उसको तो स्टोर करा देंगे हम स्टैक पे, ठीक है। और उसके बाद HL को दोबारा रीइनिशियलाइज करेंगे, जो लुकअप टेबल है हमारी जहाँ पर वो 7 सेगमेंट के कोड हैं उससे हम उसको इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसको इनिशियलाइज किया, तो पुश H किया और उसके बाद Lec-38h कोड। तो कोड क्या है, कोड जो एड्रेस है बेसिकली किसका है, ये XX70 जहाँ पर ये कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट कॉमन कैथोड के कोड पड़े हुए हैं, तो ये है XX70H, ठीक है। तो ये उसका लेबल है कोड, ठीक है। तो XX70H ये यहाँ पर कोड की जगह, और उसके बाद फिर वही लुकअप टेबल से उसको उठाना, तो कोई भी नंबर आया जैसे 03 आया, उसको ऐड करा दिया हमने किसके साथ, 70 के साथ, तो वो बन गया हमारा 73 को वापस HL में लोड किया, तो अब हमारा बन गया जो HL के जो कंटेंट हो गए वो हो गए हमारे 2073। तो 2073 के जो भी कंटेंट हैं ये हमारी लुकअप टेबल पड़ी हुई है यहाँ पर, तो कोड का मतलब है यहाँ पर XX70H, ठीक है।
जो कोड है वो लेबल है XX70H का, और वहाँ से सबसे पहली जो बाइट है उस पर है जीरो का सेव, दूसरी बाइट है वन का कोड, सेवन सेगमेंट कोड, सही है। थर्ड बाइट है वो है डिजिट टू का, सेवन सेगमेंट कोड, एंड सो ऑन। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो उसके बाद जो M है वो कंटेंट हमारे आ गए किस में, एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पर ये 2070 है, ये 2071, ये 2072, ये 2073, सही है। तो 3 का कोड है 4F, तो 4F आ गया हमारा एक्यूमुलेटर में। अब एक्यूमुलेटर से STXB, अब उसमें 3 का जो कोड आया हमारा यहाँ पर 4F, ठीक है। तो 4F को हमने स्टोर करा दिया, स्टोर करा दिया एक्यूमुलेटर किस में, जो हमारा बोले ये जो BCD के जो कंटेंट है, तो BCD कंटेंट हमने क्या फीड कराए हैं, XX90, ठीक है। यहाँ पर हमने बफर को इनिशियलाइज किया था, तो हमने वो XX90, तो यहाँ पर जो कोड आएगा यहाँ पर आएगा हमारा 4F, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आया 4F, ये हमारा स्टोर हो गया, ठीक। उसके बाद फिर रिटर्न हुआ, मतलब स्टोर कराने के बाद पोप एच, तो जो कंटेंट हैं HL के जो हमने स्टैक पर स्टोर किए वो है XX50, तो XX50 को वापस लिया, ठीक है, HL रजिस्टर पेयर में। तो HL के कंटेंट अब हो गए हमारे XX50 अगेन। उसके बाद रिटर्न के बाद इंक्रीमेंट कराया B को, एक हमारी लोकेशन फिल हो गई, अब इसको इंक्रीमेंट करा दिया। उसके बाद मूव A, M ANI0FH, सही है। अब क्या कर रहे हैं, 39 से 9 निकाल लिया, ठीक है, तो 39 वापस लिया और यहाँ पर 0F के साथ उसकी एंडिंग कराई, तो यहाँ से बना हमारे पास 09। और फिर उसके बाद इसी को कॉल किया, फिर वापस उसको स्टैक पे सेव कराया जो HL के कंटेंट है, यानी XX50, अभी तक XX50 ही है, ठीक है। उसके बाद LXIH उस कोड को, ये वाला यानी 2070 या XX70, ठीक, उसको दोबारा रीइनिशियलाइज किया। उसके बाद फिर ADD L, ADD L, A, अच्छा मैंने 39 वाला लिया था 3 का, तो इसमें आपका आएगा 9, 39 से हमने इसको किया तो ये बना 9, तो 9 का कोड उठाएगा, सही है। तो 9 प्लस 79, तो 79 पे हमारा जो है कोड है 9 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 5, 6, 7, 8, 9, तो 2079 ये XX79 पे है 6F, तो 6F को उठा के हमने डाल दिया किधर, फिर वापस, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट कराई दिया था BC का, तो BC के कंटेंट हो गए हमारे XX91, तो यहाँ पर हैं जो कंटेंट हुए वो हुए हमारे XX91, तो XX91H, तो यहाँ पर आएगा हमारा 9 का कोड। तो 9 का कोड क्या है, 9 का कोड है हमारा 6F, ओके, तो 6F हमारा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया 6F, ये स्टोर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें दोनों पॉइंटर बढ़ाने पड़ेंगे, ये काम खत्म हो गया हमारा। तो पहला नंबर हमारा जो है वो सेव हो गया, अब इसको भी बढ़ाना पड़ेगा नेक्स्ट नंबर पे आने के लिए, और यहाँ पर भी जो हमने इसका पॉइंटर सेट किया हुआ है इसको भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हर जो भी डिजिट है उसको जब सेवन सेगमेंट कोड में कन्वर्ट करेंगे तो हर डिजिट के बाद इसका इंक्रीमेंट है। इसमें ये पैक्ड BCD है क्योंकि एक ही नंबर में दो डिजिट है, सही है। तो ये दो बार इंक्रीमेंट करेगा तो ये एक बार इंक्रीमेंट करेगा, ठीक। उसके बाद वापस HL को दोबारा लिया, तो यहाँ पर आया 2070H ऊपर वाला, ये वाला। उसके बाद जब हम रिटर्न गए वापस यहाँ पर INXB पे, तो INXB पे क्या होगा, इसको फिर इंक्रीमेंट होगा तो XX92H हो जाएगा, सही है। अगर XX को 20 लिया है तो 2092H, और ये हो जाएगा हमारा XX51H। उसके बाद डिक्रीमेंट D, तो ये हो गया हमारा 3 से 2, ठीक। और 2 के बाद जंप इफ नोट 0, नेक्स्ट BCD है हमारा वापस यही कोड, सही है। अब हमारा दूसरे नंबर के लिए सेम प्रोसेस हमारा चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही फिर उस पर कंटिन्यूस ख़त्म करके, और उसके बाद फिर आएंगे, फिर एक बार और लूप चलेगा। तो पहले 3 से 2 वैल्यू हुई, 2 से फिर 1 होगी, और 1 के बाद जो हमारा लास्ट बाइट है या पैक्ड BCD नंबर है, जब इसको कंप्लीट करके आएंगे और जब ये डिक्रीमेंट करेगा तो ये 0 आएगा, और फिर यहाँ पर ये रिटर्न, और रिटर्न आएगा यहाँ पर वापस हॉल्ट, प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा, एग्जीक्यूशन स्टॉप।
तो जो भी हमारा है वो सब हमारे कन्वर्ट हो गए, स्टोर हो जाएंगे बाकी के 9091 9293 और 9495, सही, एस तक ये सारे हमारे ऐसे स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं, मतलब कमेंट कर दें। ठीक, ये आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए, थैंक यू।